फैमिली क्या हाल चाल है? ठीक ठाक उम्मीद करते खैरियत से होंगे। आपकी दुआ सामने भी ठीक ठाक और खैरियत से। तो ये देखिए ज़रा, मैं ये चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इधर पड़ा हुआ था हमारा शोकेस जो सैलाब की वजह से हो गया ख़राब, तो उठा के हमने रख दिया दूसरे कमरे में, यानी कि उसके जो पीछे गत्ता लगा हुआ था सारा फूल गया, तो अलमारी भी पीछे से जो गत्ता लगा वो भी फूल गया, तो बहुत उसकी हालत ख़राब हो गई है। तो मैं दिखाता हूँ, ये भी बस हमने बहुत जो मेहनत के साथ ली थी, जो अब इसका बेड़ा गर्क हो गया है। ये देखे ज़रा, ये देख रहे हैं, ये टूटनी शुरू होगी यहाँ से तो देखे ज़रा, काफ़ी टूट गई। कोई भी चीज़ इसके अंदर दाखिल हो सकती है, यानी कि अभी महीना एक पड़ा हुआ है बारिशों का, तो महीने के अंदर अंदर ये देखे क्या इसका हाल होता है। इधर से भी ये खेत टूट गई है, और ये देखें बस ये देखें, यह आहिस्ता आहिस्ता सैलाब के साथ, क्योंकि ये गत्ता होता है तो उसकी वजह से सारा ख़राब हो गया। इधर से हम लोगों ने ये उठा दिया है, जो हमारे फ्रेम है तो वो देखे, जो ये सामने फ्रेम लगा है, हम दोनों की तस्वीर लगी रजिया की और मेरी, इसको भी वो टेढ़ी होती जा रही है। तो इधर बच्चे बैठे हुए हैं, तो मौसम तो ठंडा ही है लेकिन चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये इतनी मेहनत से पेंट किया हुआ था हमने, ये देखे ये फूल के गिर रहा है, इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है, वो देखे सामने भी सारा पानी पानी हो गया। तो सुबह भी इधर बारिश हो रही थी, जब भी बादल बने हुए, तो ये देखे कितनी नमी है, इधर से भी गिरना शुरू हो गया, पेंट उतरता जा रहा है। तो पेंट किसी ने नहीं किया, इधर इतने ज़्यादा किराएदार आ कर के गए हैं, तो पेंट सिर्फ किया था तो हम लोगों ने किया था, तो वो भी 2-3 साल हो गए, अभी ख़राब होता जा रहा है बारिशों की वजह से, तो अंदर से भी ख़राब होता जा रहा। तो ये देखे सारा इधर इकट्ठा करके रख दिया, ये भी अलमारी जो पीछे से ख़राब हो गई है, तो उसके देखे शीशे भी हम उठा रहे थे तो वो गिरे हैं एकदम से, तो दोनों टूट गए हैं। तो ये समझे कि अब सर्दियों के इसको ये जलाने के काम ही आएगा। ये देखे अंदर, ये देख रहे हैं आप, सैलाब आ गई सारी, तो ये देखे टूटना शुरू हो गया, ये पीछे से भी ये टूटना शुरू हो गया। तो इधर से तो अभी बस वैसे ही टूटा पड़ा है, इसके दरवाजे उतरे पड़े हैं, तो ये भी बस अब लकड़ियाँ बन गई हैं, ये तो अब जलाने के काम ही आएगा। पैसे वगैरह तो ज़ाया हो गए हैं, बारिश ने ज़ाया कर दिया सारा कुछ। तो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर भी, आज तो हवा भी चल रही है, थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है। वो दिया पानी पर भरा गया है, दिया बंद करो जल्दी से, वो देखो ऊपर से गिर रहा पानी, वो टैंकी भरेगी अभी बस, अभी उधर से पानी आना शुरू हो गया, जल्दी जल्दी करो बंद। पहले ही उधर से वो देखे ज़रा, ये आपको चीज़ नज़र आ रही, बहुत सारा टूटा पड़ा है, तो इसलिए फिर उधर जोड़ना, पानी अंदर गिरना शुरू हो जाता है। तो शॉपर बैग भी बिछाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अभी वो कह रहे थे मकान वाला कि मैं अभी कुछ शक होता है तो कुछ दिनों बाद आऊँगा, तो साथ में मिस्त्री लेके आऊँगा, तो ऊपर वो प्लस्तर वगैरह कर देगा आप लोगों को। तो देखिए अभी उसने बोला है, पता नहीं आता अभी है कि नहीं। तो इधर वाली जगह जो सारी ख़राब हुई है सारी, वो मट्टी वगैरह उठाएँगे तो फिर नया शॉपर वगैरह बिछाएंगे। तो मैं अभी मिलवाता हूँ आपको रजिया के साथ भी, रजिया इधर कर रही है काम, तो रजिया का तो काम ही नहीं बढ़ खत्म। फैमिली कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, आपकी दोनों से हम भी ठीक ठाक है। तो वीवर सॉरी आपके पास हमारी टाइम से वीडियो नहीं पहुंच रही, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें इसमें से डिलीट भी कर दी हैं, तो व्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। हाँ जी, अभी बना रहे हैं, देखे कितने मिनट की बनती है। हाँ जी, तो ये कुछ मिनट की बनाता है, 3-4 मिनट की, और बंद हो जाता है, फिर दोबारा ऑन करना पड़ता है, फिर उसको चलाना पड़ता है, तो पता नहीं क्या मसला इसको हो गया। हाँ जी, यानी कि ऐप जो इसके अंदर होती हैं वो डिलीट की हैं, तो फिर कुछ चलना शुरू हुआ है। हाँ जी, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मेरे जो बर्तनों वाली लंबारी वो सारी फूल गई है, अब वो पीछे से मैं आपको दिखा नहीं सकती, वो बहुत बदमी है। हाँ जी, तो अगर मैं कभी बाहर निकालूंगी तो कपड़े वाली तो आप लंबारी दिखा दी है, वो जरा देखना, आपने भी तो देखी नहीं, रजिया ने विवर अभी नहीं देखी है, जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है रजिया ने अभी फ्रंट से देखी है, तो अभी ये पीछे से देखेगी तो फिर बताएगी कि इसका क्या हाल हो गया है। कपड़े वाली जो लंबारी है वो रजिया आपने देखी नहीं, वो पीछे से टूट गई है और ऊपर से खराब हो गई। हाँ जी, और टूट गई है, जो आपकी जिसमें कपड़े पड़े हुए ना वो बिल्कुल टूट गई है, वो अभी आपने देखी नहीं है, वाकई में टूट गई है, वो मैंने भी बस को दिखाई जहाँ से वो कील वगैरह उतर गए हैं। हाँ जी, मैं करता हूँ, तो बस ऊपर टैंकी भरेगी ना, इसलिए वो उसको चला दिया था कि ऊपर पानी कम हो जाए। तो क्या कह रहे थे रजिया आप?
तो मैं कह रही हूँ कि मैंने जो ये लंबारी बरतनों वाली यही बहुत मुश्किल से दस मिनट काटी है, तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। बालक मैंने उनको बताया कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, ये गत्ते की है तो अभी ये जलाने के काम ही आ सकती है, और कुछ नहीं हो सकता इसका। और ये मैंने बहुत मेहनत के साथ फेमस बनाई थी चीज़ें, तो ये बारिश की वजह से ख़राब हो गई। तो चल कोई बात नहीं, आप इतना कंफ्यूज ना, खुदावंद आपको देगा, इससे अच्छी चीज़ें देगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है, देखिए टैंकी भरेगी और पानी इधर से गिरना शुरू हो गया। तो ये भी बस ये देखिए अभी टैंकी भरेगी ये बच्चों से, तो पानी इधर से नीचे गिरना शुरू हो गया है। आप भी कहते होंगे ये रोज़ दिखाते अब ये होगा कि बारिशें बारिश से बंद होगी, अभी अगस्त का महीना पड़ा हुआ पूरा बारिशों का, तो फिर ये टैले वगैरह उठाई जाएंगी, इसके ऊपर छापर बिछाया जाएगा, तो फिर जाके ये काम अच्छा होगा। तो देखिए अब मकान मालिक के हाथ में, हम तो किराया पता नहीं कितनी मुश्किल से दे रहे हैं घर का, तो ये सब काम तो वही करवाएंगे, हम तो करवा नहीं सकते। हाँ जी, तो ये छोटे छोटे ब्लॉग आप लोग, हाँ जी मैं आपको बता रही थी व्यवस्था की, ये छोटे छोटे ब्लॉग हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा कर रहा है तंग, तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, वो इस वजह से कि जितनी वीडियो बन रही है उतनी तो कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमने मतलब कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि डिलीट कर दी हैं, तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बच्चे चले गए ट्यूशन, रोटी मैंने बना के दे दी, बच्चे चले गए ट्यूशन, ये देख सकते हैं आप और घर पर मैं हूँ। तो ये देखिए अभी तक जो ना पानी ऊपर से गिर रहा है, तो वो बाल्टी हमने रखी हुई है, ठीक है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो था तो अंधेरा, लेकिन देखते हैं ये देखें पानी सारा कुछ उठा दिया है, तो कुछ अभी इसमें है ये देखें, तो ये सारा इधर से गिर रहा है, अभी तक जो मतलब के टैलों में पानी चला गया वो सारा सिम रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लंबाई तो बस बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, आगे देखते हैं जो भी खुदा को मंजूर है, मालिक मकान को बोला तो है अब करवा देगा, तो उसकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो अब बच्चे आएंगे तकरीबन 6 बजे, तो मैंने कहा कि आगे का व्लॉग मैं पूरा कर दूँ, जितना बन जाएगा उतना ही व्यूअर्स देख लेंगे और व्यूअर्स का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आप लोगों ने दुआ में ज़रूर याद रखना है कि हम जल्द से जल्द फ़ोन का कोई इंतज़ाम हो जाए, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से टेंशन में है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एकदम से पता नहीं हमारा आपके साथ इतना साथ है या आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये अभी तक कुछ पता नहीं है क्योंकि फ़ोन का कोई भी इंतज़ाम नहीं हो रहा। तो टेंशन और इस बात की और भी बस, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है तो हम नहीं चाहते कि अपनी मेहनत जो हम ज़ाया करें, तो हम चाहते हैं कि आगे भी हम व्लॉग बनाएं अच्छे अच्छे जो आप लोगों के साथ हम शेयर करें। तो अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अभी आते हैं बच्चे तो मैं बच्चों के साथ भी आपको मिलवाऊँगी, आपने मेरे साथ इसी तरह बने रहना और दुआओं में हमें याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा हम टेंशन में हैं। तो जो मेहनतों के साथ मैंने ये चीज़ें बनाई थी, 10-11 साल मैंने जॉब की और ये मैंने फिर ये सारी चीज़ें बनाई थी विवश, तो अभी जो हो गई हैं ख़राब, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का भी दुख है। तो आगे खुदा के आगे तो अब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है मालक बुरकान को बोला तो है, अब सुनता है या नहीं सुनता ये उसको ही पता है, तो किराया लेने आएगा फिर उसको बोलेंगे। तो आपने भी इसी तरह मेरे साथ बने रहना है, तो बच्चे आते हैं तो मैं आपको मिलवाती हूँ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर रजिया आपको बता रही थी कि बच्चे अभी पतस लेके आएगा तो मिलवाते हैं बच्चों के साथ, तो मैं बच्चों को ले आया हूँ, तो बच्चे इधर कुछ आज पार्टी वगैरह कर रहे हैं, ये देखिए ज़रा। हेलो करो बेदिया, आज है अलिशबा की डॉट की बर्थडे, तो आज का व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो ये है अलिशबा, हेलो सर, सबका मैं ये चैनल, तो कैसे आप, मुझे आप सब ठीक होंगे, तो मैं भी आप दुआओं से। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का मेकअप कर रही थी, अभी बस स्टिक शेड मेरे रह गए। तो अभी बस ये छोटे अलिशबा है और ये बड़ी वाली अलिशबा है। हेलो व्यूअर्स, कैसे आप, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो मेरी दादी जी अलिशबा की डॉट की बर्थडे, तो हमने गिफ्ट बनाया मगर हम अलिशबा को नहीं बता रहे, अलिशबा पूछ भी क्या बना, मैंने कहा गिफ्ट नहीं फिर वो होते हैं। हाँ तो आपकी डॉल की तरह डॉल, तो व्यूअर्स को दिखाएं भी, वो अभी उसको कपड़े वगैरह पहनाने हैं वो, तब मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स अभी इन्होंने तैयार करना है, तो ये अभी खुद तैयार हो रही है, तो ये दिया भी है, तैयार नहीं हो रही, तो डॉल देखे जरा डॉल क्या क्या हाल किया, डॉल की गर्दन भी नहीं है, तो व्यूअर्स डोल का भी सर वगैरह धोना है इन्होंने, वो उतार के रखा हुआ है, तो ये बाकी चीजें तो उन्होंने अभी तैयार कर रही है, अभी तो खुद तैयार हो रही है। देखे थे मैरी आइस दिखाओ, ये देखे लग रही है, देखे लग रही हूँ, तो नहीं
नहीं व्यूअर्स, आपको मैसेज पता नहीं कैसे करनी है। तो हाँ जी व्यूअर्स, तो ये बच्चे जो आज कर रहे हैं अपने ढोल तैयार। हाँ जी, तो व्यूअर्स आज का व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। हाँ जी, आपको एक छोटा सा सरप्राइज दिखाती हूँ, ये देखिए। तो व्यूअर्स ये देखे जरा, ये देखें जी, ये दिया ने आज अपनी मेहनत के साथ एक जूता बनाया है, बिल्कुल ही छोटा सा। ये देखें, ये व्यूअर्स बहुत छोटा बना हुआ है, ये इसने हाथ के ऊपर रखा हुआ है। ये देखें, हाँ जी, छोटा सा लगा। तो आज की आपने कमेंट्स में बताना ये कैसा। हाँ जी, तो दिया और लिशबा और मैरी को आपने बताना है मैसेज करके कि ये इन लोगों ने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग के अंदर ये जूता बनाया, तो जूता बनाया ये डोल का डोल अभी पड़ी है कपड़ों के बगैर। तो अभी इसकी पार्टी वगैरह करेंगे तैयार होके, और लिशबा आपको तो, केक भी दिखाती है। हाँ जी, तो लिशबा ने अपनी डोल का केक भी तैयार किया हुआ है, लेके आ गई इधर। ये देखें जी व्यूअर्स, ये सिर्फ हमारे केक के ऊपर 40 रुपए लगे हैं। हाँ जी, तो ये लिशबा ने तैयार किया है, तो बहुत ही ज्यादा लग गए हैं पैसे। तो आज छोटा सा व्लॉग है, आपको जरूर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। और नेक्स्ट वीडियो